अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एचपी बर्ड। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाड़ होंगे और अपने बर्ड्स की भी अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये चिक मैंने तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले परचेज़ किया था लाहौर से, जो कि कार्गो की सूरत में आया था। अब हुआ ये कि इसको मेरी ही लापरवाही, पहले मैं इस बच्चे को चेक नहीं किया, और कल रात को अचानक मेरी इस बच्चे पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि ये जो इसके फीट है ना, ये टेढ़े हैं। इसकी जो उनकी टॉक की उंगलियाँ, ये बिल्कुल ही टेढ़ी हैं। पहले तो मैंने सोचा इसका मैं खुद ट्रीटमेंट करूँ, लेकिन मैंने सोचा बाद में कि अगर मैं इस चीज़ पर किसी भी की यूट्यूब पर वीडियो नहीं पड़ी, कोई भी किसी ने भी इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाई इस ट्रीटमेंट के ऊपर, ये जो उनसे फिंगर्स होती हैं चिक्स की, ये टेढ़ी निकलती हैं। असल में ये होता है ऐसे कि अगर हम गलत पेयरिंग करते हैं या तो बहन भाई का पेयर लगा दे तब भी ये इशू देखने को मिलता है, और सेकंड ये अगर ब्लड लाइन वीक हो तब भी ये इशू मिलता है। अगर बहन भाई का पेयर ना लगाएं, भेज की ब्लड लाइन वीक होगी तब भी हमें ये इशू देखने को मिलेगा। अगर किसी भी पेरेंट्स में से एक भी पीस की मदर कह लें या फादर कह लें, जिसकी भी अगर ब्लड लाइन वीक हुई तो ये हमें इशू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। अगर मैं इसको इस टाइम ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है बच्चा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रीटमेंट करो, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करूँगा। इस टाइम बच्चे की थोड़ी सी एज बड़ी हो, अगर जब मेरे पास आया उस टाइम मुझे पता चल जाता तो मैं उसी टाइम ही इलाज कर देता। अब जिस भाई से मैंने परचेज़ किया, उन्हें खुद नहीं पता था कि इसके साथ ये प्रॉब्लम, उन्होंने खुद मदर फीड के नीचे से उठा कर दिया। बस मेरे पास जब आया मैंने इसके नाखून चेक कर लिए पकड़ कर, तो लेग चेक कर ली, लेकिन मैंने ये फीड पर गौर नहीं किया। लेकिन कल अचानक रात को मेरी इस चीज़ पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं सोच खुद ही करने लगा था इसका ट्रीटमेंट, देन मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों से मैं इस चीज़ को भी शेयर कर दूँ, इस एक्सपीरियंस को भी अपना शेयर कर दूँ। ये मेरे साथ पहले भी फेस किया था लबड़ के बच्चे का, और माशाल्लाह से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था बिल्कुल, और तकरीबन 10 से 12 दिन में बच्चा अपने बिल्कुल ठीक फिंगर्स पर आ गया था। तो ये देखिए आप, इस बच्चे की उंगलियां बिल्कुल ही सीधी नहीं हो रही, देखिए आप टेढ़ी उंगलियां हैं। तो आज मैं आपके साथ इसका ट्रीटमेंट करूँगा, बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप कीजिए कि ये बहुत ही आसान है। अगर ये आप ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका, अगर किसी का बच्चा ऐसा निकलता है उसकी उंगलियां वगैरह टेढ़ी हैं, देने को मैं बच्चे को सेल भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा अगर किसी गलत के हाथों में जाएगा तो मसला बन सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पता नहीं होगा। तो मैंने सोचा मैं ट्रीटमेंट करूं ताकि अपनी सारी ज़िंदगी की मजदूरी से बच जा, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा तो इसी तरह सारी ज़िंदगी मजदूर रहेगा और इसी तरह ही चलेगा। तो इसके अलावा मैं जितने भी कोई भी मेरे से दोस्त सवाल पूछना चाहे, मैं आपको व्हाट्सएप अपना नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि करे बगैर कॉल किए, तो मैं इंशाल्लाह उसका कोशिश करूँगा कि जवाब दे दूँ। तो प्लीज़ कॉल ना कीजिए, क्योंकि मेरी भी मजबूरी होती है, मैं भी थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ। तो खैर, अब इस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, और मैंने भी देते टाइम गौर नहीं किया, और जिस भाई से लिए उसकी भी कोई गलती नहीं है। और चलें इसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्ट बगैर किसी देर के। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, आपको ये मेडिकल स्टोर से सर्जिकल टेप मिल जाएगी, ये 60 की मुझे मिली है, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। और एक तो पतली आती छोटी आती, लेकिन आपने चौड़ी वाली सर्जिकल टेप ले लेनी है। देन आपने, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अच्छा, तो दोस्तों ये मैंने सर्जिकल टेप ले ली है, इसके मैंने याद रखना कि आपने सर्जी के लिए टेप लेनी है, इसके अलावा और कोई टेप नहीं लेनी, ना शीशा टेप ना दूसरी जिनसे वायर या जो गेंद पर या वायर पर की जाती है वो भी टेप नहीं लेनी है आपने, बस ये मेडिकल स्टोर से सर्जिकल टेप लेनी है। देखिए मैंने आगे से कट कर ली। अब आपने करना ये है कि आपने इतनी को टेप लेकर ये आपने इस तरह से बिछा लेनी है अपने किसी उस पर। देन आपने ये करना है कि किसी तरीका से इस तरीके से रख दीजिए, मैं अपने भाई की हेल्प ले लूँगा। इसी तरह रखना है। अच्छा, अब करना ये है कि आपने देखना है, सबसे पहले आपने अपने बच्चा पकड़ कर इसकी फिंगर पोजीशन सेट करनी है,
कि किस पोजीशन पर फिंगर, ये देखें इस टाइम ये इसकी बिल्कुल उंगलियां टेढ़ी हैं। तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह और आपसे को दिखाता हूँ पोजीशन सेट करके। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये बच्चे की जो सी पहले टो की जो सी उंगलियाँ हैं ये मैंने बिल्कुल, आप देखें आपको शायद नज़र आ रहा हो टेप के अंदर भी, कि दो आगे करके एक पीछे, जिस तरह बच्चे की पोजीशन होती है उंगलियों की वैसे मैंने कर दिया। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए बिल्कुल। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा, अगर मुझे 1.5 हफ्ता पहले ही पता चल जाता कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो मैंने उसी टाइम में ट्रीटमेंट कर देना था और अब तक बच्चे ने बिल्कुल ठीक भी हो जाना था। अब मैं इसी तरह, ये देखिए इस तरह फोल्ड हुआ हुआ है, बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। ये देखिए ये दो फिंगर आगे हैं और एक फिंगर पीछे, जो उनसी बड़ी फिंगर होती है वो पीछे होती है। तो इसी तरह आपने ये भी इसी तरह ही आपने ट्रीटमेंट करना है कि बिल्कुल सही पोजीशन पर सेट करके फिर आपने बच्चे की जो उनसी उंगलियां वो रख देनी, तो कम से कम 5-7 दिन लगे रहने देना है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह टेप चेंज करनी है 5-7 दिन बाद, और तकरीबन 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मजदूरी से बच जाएगा। तो अगर मैं आपको ना वीडियो शेयर करता तो मेरे लिए ख्याल में किसी को इस चीज़ का पता होना था, और मैंने आज तक ऐसी वीडियो भी नहीं देखी कोई यूट्यूब पर। तो ये मेरी फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो है, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले इस चीज़ का कि जिस तरह से प्लेट लैग का ट्रीटमेंट किया जाता है इसी तरह टो का भी ट्रीटमेंट है, और आपने इसी तरह ही ट्रीटमेंट करना है अगर आपके किसी भी बर्ड के साथ ऐसा हो। और अब मैं दूसरे टांग पर भी इसी तरह टो पर भी लगा कर आपको टेप दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके ट्रीटमेंट करने से। और इसकी स्प्लेट लेग है वो बिल्कुल स्प्लेट टो जो सी फिंगर टेढ़ी हैं वो बिल्कुल ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपको दूसरी फिंगर भी दिखाता हूँ करके, दूसरे फुट पर भी लगा कर दिखाता हूँ। आपने करना ये है कि सिर्फ सिंगल तय ही नहीं रहने देनी बल्कि आपने कम से कम टेप की 3 तहें लगानी। मैं बताता हूँ आपको, आपने पहली टेप की तह काट कर, दूसरी काट कर और तीसरी काट कर फिर आपने पंजा चिपकाना है पोजीशन सेट करके। आपको मैं दिखा देता हूँ, बच्चे को रुक लो ज़रा एहतियात करा। ये देखिए ये मैंने फर्स्ट काट ली, आपको नज़र आ रहा हो सिर्फ ना कैमरा जो सा मोबाइल है मेरा, इसको जो वीडियो बन रही है उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, मैंने उस पर ही सेट किया, और नहीं तो आपको अच्छी तरह मैं पोजीशन सेट करके दिखाता। तो ये देखिए दूसरी कम से कम 3 से 4 तहें लगा ले ताकि टेप फोल्ड ना हो, और टेप जो सी है वो आपने इसके अलावा कोई टेप नहीं लेनी है, सर्जिकल टेप आप मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। एक छोटे साइज़ की आती है और एक ये बड़े साइज़ की, तकरीबन 60 रुपये की इस टेप की कीमत है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा बेबी बर्डा जो सन के नोज का वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने चाहा तो मजदूरी से निकल आएगा, मजदूरी से बच जाएगा। अच्छा ये देखें दोस्तों, शायद मैं आपको नज़र आ रहा हो ये बच्चा मैंने पकड़ लिया भाई की, बुरा पकड़ो इसको, बच्चे को पकड़ो थोड़ा सा उठा कर रखना। अच्छा ये देखिए इस टाइम ये बच्चे की जो लेग्स हैं बिल्कुल टेढ़ी। अब करना ऐसे है कि आपने ये जो उनकी ये पीछे सेट कर देनी है, ये कुछ ज़्यादा ही है टेढ़ी, और इस तरह से सेट करनी है कि ये बिल्कुल ही चिपक जाए। तो ये देखिए अब चिपक गई है, ये उतार नहीं सकता, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब देन आपने करना ये है कि एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसी तरह चिपकी है, बच्चा फोल्ड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं जैसे ही दूसरी टेप लगाऊंगा तो ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी। पूरा बच्चे को पकड़ के रखो, हाँ इसी तरह पकड़ के रखो। अब इसी तरह आपने इसकी भी जो सी तकरीबन 3 तह लगानी है, छोड़े एक मैं खुद ही कर लेगा सर। आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपने किसी की हेल्प लेकर इसी तरह ये लगा लेनी है। बेसिकली डिटेल से समझाने का मकसद ये है कि आप सब दोस्तों को समझ ही लग जाए, क्योंकि मेरी वीडियो का बनाने का मकसद आप सब दोस्तों को समझाना है, क्योंकि अगर मैंने
ट्रीटमेंट करना होता तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया ताकि आप सब दोस्तों को पता चले इस ट्रीटमेंट का। ये देखें, अच्छा तो दोस्तों ये देखें, ये लग गई है। अब आपको शायद पंजा नज़र आ रहा, दो फिंगर आगे आ गई, एक पीछे आ गई। तो इसी तरह मैं तकरीबन 2 से 3 टेप्स लगाऊंगा। अच्छा जो थी एंड वाली टेप है ना, ये आपने थोड़ी सी बड़ी रखकर लगानी। इसका वजह ये है कि आप फोल्ड कीजिएगा ताकि नीचे से चिपके ना। अगर ये देखें तो ये इस समय ये बच्चा बिल्कुल कह लें कि ये टेप लग गई है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये अपनी मजदूरी से बच जाएगा। अब ये फिंगर्स पर खड़ा नहीं हो रहा था, इसने ये जो सी ये चीज़ कहते हैं कि ये नीचे लगाई हुई थी, बिल्कुल भी फिंगर पर खड़ा नहीं हो रहा था। तो देखें ये फिट सीधे होगा तो ये अपनी फिंगर्स पर आ गया, और ये आहिस्ता 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 करते करते ये जो सा ये अपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेरा बच्चा था संजय। से देखे ये येलो पर किस तरह से निकल रहे हैं, तो येलो फैक्टर में था बच्चा। तो खैर कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास इस तरह का कोई इश्यू निकल आया तो जल्द से जल्द जितनी छोटी एज में बच्चा हो तो उसका ट्रीटमेंट कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये है कि जितना छोटा बच्चा होगा उतना चांस ज़्यादा होते हैं बच्चे के सेट होने के। तो ये मेरे पास बच्चा है और ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता। शायद वो भाई मेरी वीडियो देखें यूट्यूब पर जिनसे मैंने एक किक परचेज किया था, क्योंकि इस चीज़ का उन्हें भी नहीं पता, वो तो फीड भी नहीं करवाते थे। उन्होंने मुझे मदर फीड्स के नीचे से उठा कर दिए थे, इसी तरह डायरेक्ट बस उन्होंने मुझे नाखून वगैरह चेक किए। कह लें कि ना उनकी गलती है ना मेरी, बस मेरी लापरवाही की वजह से। मैंने बस जब बच्चे आए लाहौर से तो मैंने इसी तरह डब्बे में रख दिए और मैं बस फीड करवा देता था, बाकी मैं चीज़ें चेक नहीं करता था या कोई और मसला होता। तो अचानक ही कल मैंने बच्चा हाथ पर उठाया तो मुझे फील हुआ कि बच्चे की पाँव की उंगलियां टेढ़ी हैं। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस बच्चे की जो सी उंगलियाँ वो सीधी करूँ, इसको मजबूरी से बचाऊँ। इंशाल्लाह ये टाइम के साथ साथ कवर हो जाएगा बच्चा, और बाकी इसके फील का टाइम हो गया। मेरे पास बच्चे और भी हैं तो मैं इसी के साथ ही छोड़ दूँगा। और ये अच्छा ये देखिए, अब बच्चा बिल्कुल अपने उस पर खड़ा हो रहा है पाँव, पहले नहीं खड़ा हो पा रहा था। ये बेनिफिट हुआ है मुझे ये ट्रीटमेंट करने का। अब ये इसी तरह खड़ा रहेगा, ये बाकी बच्चे भी हैं। तो नीचे पूरा रखा जाता है बेसिकली, असल में सारा मुल्क जिनसे कंट्री लॉकडाउन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बुरा नहीं मिला। तो मजबूरन मुझे टावल बिछाना पड़ा, इसी वजह से मुझे पता भी चल गया कि इसके साथ ये किया। वैसे बच्चा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। मेरे पास जितने भी चिक्स हैं सनकनोर का मुझे शौक है, तो मैंने सनकनोर की परचेजिंग की थी। और खैर बाकी ये आपने वीडियो देखी, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो ये आपके सामने मैंने ट्रीटमेंट किया है, और लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा ताकि कोई भी किसी भी किस्म का किसी के साथ मसला हो तो उसके साथ अगर वीडियो शेयर कर दी जाएगी तो उसका भला हो जाएगा, ना कि वो इस परेशानी में रहे, क्योंकि बहुत से लोगों का इस ट्रीटमेंट का नहीं पता। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो शेयर किया, और मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सर्च किया इसके बारे में, कहीं से कुछ पता नहीं चला कि इस ट्रीटमेंट का वीडियो किसी ने भी अपलोड की है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं, आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मान लाला।